नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वास्थ्य से सेहत तक। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल एक और थाली। पहली वाली थाली तो आप लोगों ने देखी ही होगी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। इस थाली को हम सात्विक थाली भी कह सकते हैं क्योंकि इसे हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। और सच मानिए दोस्तों, बिना प्याज लहसुन के भी ये खाना बहुत टेस्टी बनता है। ये खाना जो आज हम बनाएंगे वो 6 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोले बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सफ़ेद वाले चने लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर रात भर पानी में भिगो कर रखा था। अगर आपको छोले रात में बनाने हैं तो सुबह सुबह भिगो दें, और या सुबह बनाना है तो रात में भिगो दें। देखिए फूलकर डबल हो गए हैं। इसे भिगोते समय मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, कोई सोडा नहीं, कोई नमक नहीं, सिर्फ पानी में भिगोया था। अब इन्हें कुकर में शिफ्ट कर देंगे और 4 गिलास पानी डाल देंगे। दोस्तों इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है। अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी कम रह जाएगा तो छोले नीचे से कुकर में लग जाएंगे। 4 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने से कुकर का पानी बाहर नहीं निकलेगा। नमक और तेल के अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। 1 सीटी तेज आंच पर लगाकर गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, और कम फ्लेम पर हम कम से कम 6 से 7 सीटी लगाएंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब चले मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 7 से 8 टमाटर लिया है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च ली है। 2 सब्जी के लिए हम एक साथ ही मसाला बनाएंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनेगा। पहले ये टमाटर के आइस को हटा देंगे, फिर इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर मिक्सी के जार में डाल देंगे। सारे टमाटरों को इसी तरह से काटकर जार में डाल देंगे। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। देखिए प्यूरी तैयार है। अगर जार में एक बार में ना आए तो 2 बार में पीस लें। छोले वाले कुकर को मैंने दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दिया है। अब कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है चलिए मैं सब्जियों को दिखा देती हूँ। हम यहाँ पर मिक्स वेज बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो भी सब्जी ली है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब्जियाँ लें। आप अपनी पसंद के अनुसार सब्जी ले सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटी कटोरी फ्रोज़न मटर ली है। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। 1/2 कटोरी सोयाबीन बड़ी को भिगो कर ले लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, आराम से टूट रहा है। थोड़ा सा पनीर लिया है, ये 200 ग्राम के आसपास होगा। 2 बड़ी शिमला मिर्च को इस तरह से काट कर लिया है। 3 कटे हुए आलू हैं और 5 से 6 फ्रेंच बीन्स ली है। इन्हें भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अभी तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें आलू को डाल देंगे क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है। आंच को कम कर देंगे, नहीं तो आलू बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। जब तक आलू फ्राई होते हैं चलिए हम रायता बना लेते हैं। हम फ्रूट रायता बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप गाढ़ी वाली दही ली है। दही गाढ़ी ही रखें, इसमें बिल्कुल पानी ना डालें। इसे इस तरह से फेंट लेंगे। देखिए दही एकदम स्मूथ हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच पीसी चीनी और 1/4 चम्मच काला नमक डालकर मिला देंगे। फिर इसमें 1 कटा हुआ केला, 1/2 कटा हुआ सेब, 1/2 ही संतरा इस तरह से कटा हुआ डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को काटकर डाल दूंगी। दोस्तों फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। हमारा फ्रूट रायता एकदम तैयार है। अभी इसे हम फ्रिज में रख देंगे। चलिए आलू को भी चेक कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा सा पलट लेंगे। आलूओं को पलट पलट कर तल लेंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में बीन्स को डाल देंगे।
और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसी में शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। दोनों साथ साथ फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। जब तक ये फ्राई होते हैं, चलिए चावल को भिगो देते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी कटोरी चावल लिया है, उसे धुलकर पानी हटा देंगे और दूसरे पानी में भिगोकर अलग रख देंगे। शिमला मिर्च और बीन्स भी फ्राई हो चुके थे, इन्हें मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है और इसमें मैंने सोयाबीन बड़ी को डाल दिया है। सोयाबीन बड़ी में हल्का ब्राउन कलर आने तक तलेंगे। दोस्तों, मिक्स वेज में सोयाबीन बड़ी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बड़ियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इसे अभी फ्राई कर लें। अब हमारे पास पनीर और मटर बचे हैं, हम उसे छौंक के समय डालेंगे। 4 बड़े चम्मच तेल को छोड़कर बाकी का तेल हमने निकाल लिया है। तेल गर्म ही है, इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें हमने जो टमाटर वाली प्यूरी बनाई थी वो आधा डाल देंगे और आधा बचा लेंगे छोलों के लिए। छोले में भी सीटी आ गई थी, मैंने बंद कर दिया है। मसाले को अच्छे से भुनेंगे। इसमें उबाल आने लगा है, अब इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। दोस्तों, मेरा चम्मच छोटा है इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है, अगर आप बड़े चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इन सबको तेल छोड़ने तक पकाएंगे। मसालों के साथ ही हम इसमें मटर और पनीर को काटकर डाल देंगे। फिर इसमें 1.5 चम्मच नमक को डालकर मिलाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, ये तो मटर पनीर की सूखी सब्जी बन गई है। अगर मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो इसमें बस नमक कम कर दें। अब इसमें फ्राई की हुई सब्जियों को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसे ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। जब तक 5 मिनट होते हैं, चलिए आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई का बचा हुआ तेल, जिसमें सब्जियाँ फ्राई की थी, उसमें से 3 छोटे चम्मच तेल को आटे में डाल देंगे और इन्हें हाथों से अच्छे से मिला देंगे। बीच बीच में सब्जी को भी चेक कर लेंगे, नहीं तो सब्जी नीचे से लग जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा न तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस आटे से हम पूरियाँ बनाएंगे। आटा एकदम तैयार है, इसे ढककर अभी साइड में रख देंगे। चलिए अब सब्जी देख लेते हैं। सब्जी एकदम तैयार है। इसमें हरा धनिया काटकर डाल देंगे। मिक्स वेज एकदम तैयार है, इसे भी साइड में रख लेते हैं। चलिए अब चावल बनाते हैं। हम यहाँ जीरा राइस बनाने वाले हैं। इसके लिए कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसमें 1 साबुत बड़ी इलायची डाल देंगे। फिर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब चावलों को इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक भुनेंगे। फिर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। दोस्तों, जितना चावल लिया है उसका 1.5 गुना पानी डालेंगे। अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो उसमें 1 कटोरी और 1/2 कटोरी और पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पकाएंगे।
जैसे ही एक सीटी आ जाएगी गैस को बंद कर देंगे और भाप को अपने आप निकलने देंगे। चावल को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम मीठा बनाएंगे। मीठे में हम सूजी का हलवा बनाएंगे। सूजी का हलवा बनाने के लिए हम पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। पैन में 3 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर भुनेंगे। इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है, अब इसी में 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों साथ में भुन जाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सूजी को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। देखिए सूजी में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। हमने जितनी सूजी ली थी उससे थोड़ा सा कम चीनी लेंगे और इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर या केसर के कुछ धागे डाल सकते हैं। हलवा एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी खुशबू आने लगी है। इसे भी ढककर साइड में रख देंगे। छोले वाले कुकर की स्टीम निकल गई है, चलिए इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट छोले पके हैं, हमें ऐसा ही चाहिए था। हाथों से कितनी आसानी से मसले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे छोले पके हैं। चलिए अब इसका छौंक तैयार कर लेते हैं। बचे हुए तेल में से 3 से 4 बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। इसमें 2 तेज पत्ता, 2 छोटी डंडी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 3 से 4 लौंग को डाल देंगे। इनमें से अगर आप कोई मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। अब इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डालकर मिला देंगे। फिर टमाटर वाली प्यूरी जो हमने बचा कर रखी थी उसे डालकर मिला देंगे। इन्हें कुछ सेकंड तक भुनने के बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से चीरा लगाकर डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। दोस्तों नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि छोले को उबालते समय भी हमने इसमें नमक डाला था। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। इन्हें लगातार चलाते हुए तेल छोड़ने तक पकाएंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें छोले डालकर मिला देंगे। छोले का सारा पानी हमने इसमें डाल दिया है। छोले को चम्मच की सहायता से हल्के हल्के इस तरह से दबाएंगे, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। आपको छोले में जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसे पका लें। अब इसमें 1 चम्मच छोले का मसाला डालकर मिला देंगे। छोले एकदम तैयार हैं। ऊपर से हरा धनिया काटकर डाल देंगे। छोले एकदम रेडी हैं। इन्हें भी अलग रख देते हैं। चावल वाले कुकर की भी स्टीम निकल गई है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चावल पके हैं, एकदम खिले खिले बने हैं। ये देखिए चावल के दाने एकदम परफेक्ट पके हैं। चलिए अब पूरियां बना लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें बचा हुआ सारा तेल डाल देंगे। जब तक तेल गर्म होता है चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को हल्का सा मसल कर चिकना कर लेंगे। फिर
फिर इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब एक लोई खोलेंगे, उसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे और बेलन पर भी लगा लेंगे। लोई को बेलकर बड़ा कर लेंगे। देखिए एक पूरी तैयार है। इसी तरह से सारी पूरियों को हम बेल लेंगे। तेल भी अब गर्म हो गया है। अब गर्म तेल में पूरी को डाल देंगे। देखिए पूरी कैसे फूल रही है। अब इसे पलट लेंगे। कढ़ाई में दूसरी पूरी डाल देंगे और पहली वाली पूरी को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी पूरियों को हम तल लेंगे। सारी पूरियों को हमने तल लिया है। तेल गरम ही है, इसमें मैं पापड़ भी तल लूंगी। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सारा खाना हमने बना लिया है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना बनकर तैयार हुआ है। ये खाना करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं कि हमने आज की थाली में क्या बनाया है। यहाँ हमने बनाए हैं छोले, जीरा राइस, सूजी का हलवा, पापड़ है, ये है फ्रूट रायता, मिक्स वेज और ये हैं पूरियाँ। त्योहारों के लिए परफेक्ट थाली है। दोस्तों जो खाना अभी हमने बनाया है इससे 6 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। बिना प्याज लहसुन के भी ये खाना बहुत ही टेस्टी बना है। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।